अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान। अभी हम कहाँ से निकले हैं? अबू धाबी में रुवेज से गिरी है। आपको सराउंडिंग पे अगर एरिया दिखाऊं तो ऐसा एरिया है, ठीक है। साइड में हमारे पास इतिहाद रेल की रेलवे लाइन जा रही है और हमारे साथ यहाँ पे हैं मिस्टर नगीन जो कि हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं, और साथ हमारे हैं मिस्टर इलियास जो कि हमारे साथ आज फ्लाइट में को पैसेंजर होंगे। तो पूरा आपको ट्रिप दिखाएंगे, हमने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाके एयरपोर्ट पर पहुँचे, उसके बाद फ्लाइट कौन सी है, कितने बजे फ्लाइट का शॉर्ट से रिव्यू करेंगे फ्लाइट पर बैठ के, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाके वहाँ के भी आपको क्लिप दिखाएंगे। तो नगीन भाई बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। हम दोबारा मिलेंगे अनग्रीब वापस आ सकते। फाइनली व्यूअर्स, अभी हम एयरपोर्ट के करीब आ चुके हैं और अभी हमारी फ्लाइट के चेक इन स्टार्ट होने में आधा घंटा बाकी है। तो यहाँ से थोड़ा रश मिल रहा है हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम अबू धाबी एयरपोर्ट सफर रोड फॉलो करते हुए जा रहे हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड की तरफ। एज रूटीन एयरपोर्ट पे लेट पहुँच चुके हैं, बोर्डिंग अभी शुक्र ख़त्म नहीं हुई तो अभी हम बोर्डिंग करा लें। फाइनली बोर्डिंग, इमिग्रेशन सब कुछ हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। तो ऑलमोस्ट अभी 1:15 बज रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी थी, टाइम काफ़ी अच्छा था, 2 बजे फ्लाइट डिपार्चर है स्केड्यूल। तो उम्मीद है कि आज डिपार्चर ऑन टाइम होगा। अबू धाबी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 आपको दिखा दें, ये टर्मिनल है जहाँ से बसेस पे लेके आपको जाना है। जहाज़ सामने खड़ा है इतिहाद का, हमने एयर ब्लू पर जाना है, एयर ब्लू का जहाज़ आगे खड़ा है, आपको मैं बाद में दिखा। अच्छा व्यूअर्स, आपको ना एंड पे आना चाहिए क्योंकि आपकी सीट रिजर्व होती है, लेकिन इतना भी एंड पे ना आए कि आपकी बस निकल जाए। अभी आखिरी बस हमने पकड़ी है, अभी हम आज आपके जितना मर्जी करीब खड़ा हो आपको वॉक करके नहीं जाना अलाउड होगा, इसलिए अभी चलते हैं जाके अपनी फ़्लाइट पकड़ते हैं और बाकी फिर आपको फ्लाइट का रिव्यू कराते हैं अंदर जाके, फ्लाइट के बारे में जो भी रिव्यू होगा वो अंदर जाके करते हैं। तो व्यूवर्स, आधे घंटे डिले के बाद अभी फाइनली हम टैक्सी वे पर जा रहे हैं, फ्लाइट स्टार्ट होने जा रही है। एसी और ब्लू का ऐसा है कि आपके सामने पसीना आ चुका है, और क्या वजह थी, क्यों हुआ, कोई टेक्निकल फॉल्ट क्या था कि जिसकी वजह से आधा घंटा लेट भी हुआ पता नहीं है, लेकिन फाइनली अभी रनवे पे आपको दिखा दूँ। अभी टेक ऑफ के लिए जा रहे हैं, जैसे टेक ऑफ होता है तो उसके बाद की हम रिव्यू करेंगे और फिर हम खाना आपको बताएंगे कि आज की फ्लाइट में एयरपोर्ट में क्या खाना मिला। लंच आ चुका है, तो लंच में हम चेक करें क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक चिप केक है, साथ दोबारा चॉकलेट बिस्किट, उसके बाद हमारे पास ये एक सेट रहेगा जिसके साथ तमाम स्पून वगैरह दही है, और हमारे पास क्या है जनाब, चिकन सुल्तानी कौरमा। तो लस्सी कैसा है, एक कोफ्ता, राइस, साथ में चिकन ग्रेवी, ये चिकन कीमा कह सकते हैं, और ये आज का हमारे पास लंच है जो हमें एयरब्लून दिया है, काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा। तो व्यूअर्स, तभी हम खाना ट्राई करके आपको बताएंगे कि एयरब्लू का टेस्ट कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। चावल देख में बताए हैं, काफ़ी मज़े का टेस्ट आ रहा है, और कैमरा मैन को खाना खाने की पड़ी हुई है, सारा फुटेज ख़राब हो रही है, सारा फ्रेम ख़राब हो रहा है, थोड़ा ऊपर करें भाई जान, बाल नहीं आ रहे मेरे ऐसे, अब तो नीचे करें। तो ये खाना है, ऊपर करें, ये हम हैं और हम खाना खा रहे हैं, मिलते हैं खाने के बाद। तो व्यूअर्स, एयर ब्लू ने साथ में पानी और जूस भी दे दिया और चाय के लिए कप भी दिया हुआ है, तो अभी हमें इसके बाद चाय भी मिलेगी, चाय भी पियेंगे, आपको हम चाय भी चेक कराएंगे। फैंटास्टिक टी कैसी वीडियो में हमारे साथ भाई, आपका नाम? नुमान। कहाँ से? जेलम से। भाई जान, आपका नाम? वकास भाई। कहाँ से? कश्मीर से। और ये हमारे साथ जेलम, नाम क्या भाई जान? तो काफ़ी अच्छा सफ़र जा रहा है, जब आपको सफ़र में अच्छे को पैसेंजर मिल जाए तो आपका दिन मियाँ मियाँ हो जाता है। अच्छा, तो बिल्कुल आपको क्या मैं टिप दे दूँ, अगर आपकी बर्थडे है तो आप अपनी बर्थडे किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे मनाना चाह रहे हैं, तो सबसे आपके लिए बेस्ट इन फ्लाइट डेस्टिनेशन है, आप 33,000 फीट की बुलंदी पर आके अपनी हैप्पी बर्थडे इन्जॉय कर सकते हैं। एयरब्लू आपको केक देती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि आज तक की जो सबसे बेस्ट बर्थडे थी, कहाँ पे सेलिब्रेट करनी चाहिए, आपको मिड ईयर पे सेलिब्रेट करनी चाहिए, और ये सब बेस्ट तरीका है। एयर ब्लू आपको इसके लिए केक भी देता है, तो हैप्पी बर्थडे हम सेलिब्रेट किया, आप भी जब नेक्स्ट बर्थडे होगी तो इन फ्लाइट जाके हवा में सेलिब्रेट करिएगा। तो व्यूअर्स, आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने एयरप्लेन में चाय बनानी है तो आपने कैसे बनानी है। आपको सिंपल, वो यहाँ पे एक कावा बना के दे देते हैं, आपने क्या करना है, अपने ये जो आपका पाउडर वाला मिल के ये डालना है, ठीक है, कुछ नहीं है, और शुगर, ब्राउन शुगर हुई तो मैं डालता हूँ, आपको पता है कि दूसरी चीनी मैं नहीं पीता होता। तो व्यूअर्स, ये आपके सामने ब्राउन शुगर नहीं है, लेकिन मैंने देखा था, मैं जब अंदर जा चुकी थी, तो इसलिए एक ही शुगर लेंगे। और इसको आपने मिक्स कैसे करना है, अच्छा यहाँ पर असल ट्रिक आएगी, आपने मिक्स करते हुए नोट करना है कि पहले आपने 15 मरतबा क्लॉक वाइज
और 10 मिनट बाद एंटी क्लॉक वाइज आपने मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जब तक सही मिक्स नहीं होती जिस तरह मर्जी भी। अच्छा तो व्यूअर्स अभी आपने फुल देसी स्टाइल, इन्होंने हमें बिस्किट दिया कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी स्टाइल में चाय, तो हाल कर चाय में बैठ के बिस्किट डुबो के खाएंगे। बिस्किट अच्छा था यार, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन खाना अपने देसी स्टाइल से है। आप कमेंट में बताएं आपको लगता है कि मैं ना खाना खाता हूँ। ये अली भाई हमें पहली बार मिले, अभी हमारे ये आप व्यूवर्स भी रहेंगे, वीडियो में भी आया करेंगे और मज़ा आ गया। आज का सफ़र इस मामले में मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है क्योंकि पहली बार तुम्हें देखा जी। आप देखिए, आप हमारा टेबल देखें, ठीक है, ये भाई बैठे हैं इनका टेबल देखें, वो अगले बैठे हैं उनका टेबल देख लें, लेकिन ये अरे भाई कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह बचा के रखे शैतानों के जर से। अच्छी बात देखिए, कितनी अच्छी बात के लिए बने, इसी अच्छी बात पे अच्छा सा सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।